15 अगस्त से लगाए जाएंगे पौधे। इसके लिए 38 लाख नर्सिंग तैयार कर ली गई है। कुल 31 लाख से ज्यादा पौधारोपण का रखा गया है लक्ष्य। साथ ही GPS सिस्टम द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी की भी आसानी से जानकारी लगाई जाएगी। वहीं पे प्रदेश सरकार पेड़ों की निगरानी के लिए GPS ड्रोन, सैटेलाइट, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पर की कराएंगे मॉनिटरिंग। पौधे न सूखने पाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? जनपद में 31,23,000 से ज़्यादा पौधों का रोपण किया जा रहा है। रोपण के साथ ही सिंचाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं ताकि पौधों को सूखने न पाए और इसकी नियमित सिंचाई और देखरेख भी की जाती रहे पौधों के स्थापित होने तक। ये इस बार जो है ये व्यवस्था की गई है जो है, और उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम संबंधित विभागों को करने के निर्देश दिए गए हैं जो है। नई तकनीक से कुछ बताया जाए? नए तकनीक में यह है कि उनकी जियो टैगिंग करके जो है इसको जो है पोर्टल पे अपलोड करना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पौधे कहाँ पर रोपित किए गए हैं, उनकी क्या दशा है, क्या स्थिति है, इस बात का भी जो है ध्यान रखा गया है। अदनत तिवारी। तिवारी जी, ये क्या है और कहाँ जाएगा, क्या आप लोग कर रहे हैं? ये हमारे मिर्ज़ापुर जनपद में 38 लाख का टारगेट है जो कि हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर रेंज के अंतर्गत टारगेट मिला है 4.5 लाख का। हम लोग उगान किए हैं और हर रेंज के लिए अलग अलग टारगेट हमारे यहाँ से अलाट किया गया है। 15 जुलाई के बाद से वृक्षारोपण चालू होगा जो कि हमारे यहाँ से आवंटन होगा ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, अदर विभाग, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, हर एक विभाग में पौध जाएगी, निःशुल्क वितरण है। तैयारी हो गई है? जी जी, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारे टोटल पौध शिफ्ट हो चुके हैं, सब कुछ बस अब हमको वितरण कैसे करा रहे हैं आप लोग? निगरानी हम लोग GPS द्वारा करते हैं और हमारे यहाँ लेबर हैं, माली हैं, ये लोग के द्वारा की जाती है निगरानी।